भिवंडी धामनकर नाका माधव नगर में मोदी डाइंग में बार बार आग लगने के कारण माधव नगर में रहने वाले लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर वहां के लोगों ने एक विशाल मोर्चा जुबैर अहमद अंसारी और समाज सेवक अनवर अंसारी इनके नेतृत्व में निकाला। यह मोर्चा धामनकर नाके से होते हुए कनेरी कल्याण रोड आनंद दिगे चौक भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर यह मोर्चा पहुंचा, जहां मनपा आयुक्त योगेश महसे से वहां के स्थानिक लोगों ने मुलाकात की। वही मनपा आयुक्त को मोदी डाइंग के बार बार आग लगने की घटना की पूरी जानकारी दी और मनपा आयुक्त योगेश महसे को निवेदन पत्र दिया। वही मनपा आयुक्त ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अपने कर्मचारियों को बुलवाकर मोदी डाइंग को ताला लगाने का आदेश दिया। इस मोर्चा में भारी संख्या में महिला पुरुष उपस्थित थे। आइए देखते हैं T90 न्यूज में एक रिपोर्ट। इन्फॉर्मेशन से 10 साल में 14 बार आग लगी, इसका इन्फॉर्मेशन डेट बाई डेट है लास्ट कॉपी में, और अभी जल्दी में उससे डैमेज हो गई, उसको पूरा जमी दोष कर देना एक बात विकल्प है, और डाइंग साइन उसको हमको मांगते ही नहीं है। अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, परसों खुद आया था मेरे पास, उसी मिला भी कुछ लोग आए थे, तो आपका मतलब आप मेरे से मिलने के बाद वहाँ पर लोगों को मैंने भेजा था, कल का दिन बीच में आ गया, नहीं तो अब तक वो पूरा क्लियर हो जाता था। अभी लोग सीलिंग कर रहे हैं उसमें। आज मालक की तरफ से पतरा जो ब्लास्ट हुआ था उसको उतारने का काम चालू हुआ, मुझे नहीं ताला लगाने के लिए कॉर्पोरेशन भी गए। दो महीने में 4 बार आग लग चुकी है, और अभी भी कल जुमा को जो आग लगी थी ना, तो उसके बाद अभी भी काम चालू, तो इसीलिए हम लोग को मोर्चा निकालना पड़ा। अभी कमिश्नर साहब ने बोले कि हम पूरा तरीके से लॉक कर देंगे, हम लोग ने 7 दिन का टाइम दिए उसमें, बाकी साहब बोल रहे कि हम आज ही बंद कर देंगे लॉक, तो अच्छी बात है। मोदी टाइम के खिलाफ जो आप लोगों ने आज धरना पड़ा मोर्चा निकाला, आप कमिश्नर साहब क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन कमिश्नर साहब, हमने 7 दिन का टाइम दिया है कमिश्नर साहब को, मगर कमिश्नर साहब ने आज के दिन में कंपनी को लॉक करने का हम सभी लोगों को आश्वासन दिया है। कंपनी ने 10 साल में 18 बार आग लगी, हमारे पास RTI इंफॉर्मेशन है, RTI मार्फत हमने इसका निकाला है, पूरी तरह से जानकारी निकाला है। इसके लिए हमने पूरी इसकी इमारत है, जो कंपनी की इमारत है वो पूरी तरह से वो धोखादायक हो गई है, किसी भी तरह मोटा हादसा हो सकता है, लोगों को जीवन का सवाल हो गया, इसलिए हमने आज के दिन में मोर्चा निकाला है, सभी बड़े स्तर पे मोर्चा निकाला है कंपनी के खिलाफ, और आयुक्त साहब पे हम लोगों को पूरा भरोसा है, और आज के डेट में कंपनी बंद करने का उन्होंने आश्वासन दिया। सर ने कहा कि सिर्फ एक दिन में हम बंद कर देंगे, शाम तक बंद कर देंगे, हम लोग के लिए सबसे अच्छी बात ये हो गई है कि अल्लाह करे दोबारा यहाँ आना ना पड़े, हम लोग का काम हो जाए यहीं से।